18वां अध्याय। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को देखा, वह सात में से एक हो सकता है, यहाँ बताया नहीं गया है, ये सात के अतिरिक्त भी हो सकता है, वो बस एक स्वर्गदूत है। और पहली आयत में आगे लिखा है, स्वर्गदूत को स्वर्ग में उतरते देखा जिसका बड़ा अधिकार था और पृथ्वी उसके तेज से उज्ज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। तो ये समस्त शैतानी तंत्र जो इस समय बाबुल नगर में केंद्रित है और जो संसार के व्यापार का केंद्र बन गया है, विश्व बैंक पद्धति तथा समस्त व्यापार बाबुल में स्थापित हो जाएगा। ये नगर क्या है और कहाँ है, ये सोचने की बात है। बहुत से बाइबल विद्वानों के अनुसार इस मसीह विरोधी द्वारा प्राचीन बाबुल को चुना जाएगा और उसे बड़े व्यय के साथ पुनर्निर्मित किया जाएगा। विश्व भर से कारीगरों को बड़ी मजदूरी दी जाएगी और हजारों वहाँ जमा हो जाएंगे बेहिसाब दौलत के साथ, ताकि उस अद्भुत नगर को बनाए जो विश्व बैंकिंग व व्यापार का केंद्र होगा। दानिय्येल के पुस्तक में हमें बताया गया है कि जब मसीह विरोधी अपने राज्य की स्थापना करेगा तो कारीगर उसके राज्य में पनपेंगे। दूसरे शब्दों में वह कई निर्माण कार्य कराएगा ताकि सैकड़ों हजारों कारीगरों की जरूरत पड़े और लोगों को ऊंची मजदूरी पर बड़े काम मिलेंगे और उसके राज्य में वे अति समृद्ध होंगे। यह संभव है कि बाबुल नगर, जिनका यहाँ जिक्र है, अस्तित्व में ही न हो, परंतु मसीह विरोधी इसे अपनी राजधानी तथा विश्व का केंद्र होने के लिए तैयार करें। और जब वे जहाजों से यहाँ से सामान लाएंगे तो बड़ी आर्थिक समृद्धि का समय होगा। बाकी के आयत में लिखा है, क्योंकि उसने व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ और तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुँच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भी दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में से उसके लिए दो गुना भर दो। यहाँ फिर वही विचार कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परमेश्वर का निष्पक्ष न्याय। उसी में उसके लिए दो गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं और शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। इसलिए एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक, अकाल और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमय है। ये नगर जो विश्व के धन का और विश्व के वाणिज्य का केंद्र बन गया, परमेश्वर द्वारा एक ही दिन में नाश कर दिया जाएगा। नवी आयत में आगे, और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे और उसकी पीड़ा के डर से दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया। ये किसी प्रकार का अणु विस्फोट है, क्योंकि वह घड़ी भर में नाश कर दिया गया। जो दूर खड़े थे राजा निकट आने से डरते थे और विलाप करते थे। और 11वीं आयत में लिखा है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना चांदी रत्न मोती और मलमल और बैंगनी और रेशमी और किरमिजी कपड़े और हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र और दालचीनी मसाले धूप इत्र लोबान मदिरा तेल मैदा गेहूं गाय बैल भेड़ बकरियां घोड़े रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। मेरा मतलब है सारा वाणिज्य की संपूर्ण व्यापार इस क्षेत्र में होगा। और 14वीं आयत से आगे, अब तेरे मनभावने फल तेरे सामने से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई हैं और वे फिर कदापि न मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे। जो राजा डर के मारे दूर खड़े हैं और व्यापारी भी भयभीत दूर खड़े हैं। और 16वीं आयत में लिखा है, वे कहेंगे, हाय हाय, वो बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया और हर एक मांझी और मल्ला
और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए। सारा धन क्षण भर में जाता रहा। 17वीं आयत में सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए इस प्रकार कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, वो बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए, क्षण भर में ही उजड़ गया। सारा धन जो इस नगर के निर्माण में लगाया गया था और सारा धन जो इस नगर में केंद्रित था नाश हो गया। समस्त संसार विलाप कर रहा है। राजा, व्यापारी, सौदागर जो जहाजों में अपना सामान लाते थे उन बहुमूल्य वस्तुओं को नाश होते देख विलाप करते थे। स्वर्ग में दृश्य भिन्न था। 20वीं आयत में लिखा है, हे स्वर्ग और हे पृथ्वी, लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा किया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया, एक बड़ी चक्की का पाट जिसके बीच में छेद होता है। मैंने ऐसी ही बड़ी चक्की के पाट देखे हैं। उनका वजन 1200 या 1500 किलो होता है। यीशु ने कहा, जो कोई एक बच्चे के लिए भी ठोकर का कारण होता है उसके लिए भला है कि वह चक्की का पाट उसके गले में डाला जाए और समुद्र में फेंका जाए। स्वर्गदूत उसे बड़े पत्थर को लेता है और कहता है, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल में गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। हो सकता है कि परमेश्वर उस क्षेत्र को जहां वह नगर था जल से भर देगा, ताकि वह राज्य समुद्र के नीचे हो जब चक्की का पाट तल पर गिरेगा। हो सकता है कि जल के द्वारा पृथ्वी पर उलट पुलट करने वाले परिवर्तन होंगे, वह क्षेत्र पानी से ढक जाएगा, वह फिर कभी न मिलेगा, फिर उनको याद न किया जाएगा। 22वीं आयत में आगे, और वीणा बजाने वालों और तुरही बजाने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दुल्हे और दुल्हिन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी, और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। अगली बार हम प्रकाशित वाक्य 19 से 22 का अध्ययन करेंगे और इस दंड के दृश्य से बाहर निकलेंगे और कुछ और अधिक रोमांचकारी विषयों को देखेंगे, जैसे कि नया आकाश और नई पृथ्वी और नया यरूशलेम इत्यादि। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें बुलाया और चुना है और अभिषेक किया है कि हम तेरे शिष्य हों, कि फल लाएं और स्थायी फल लाएं। अब प्रभु, हम स्वयं को तेरे प्रभुत्व में समर्पित करते हैं। तेरे आत्मा का राज्य हमारे जीवनों पर हो। हमें सब बातों में अपने समान बना प्रभु, अपने समान शुद्ध धर्मी, और जैसा तू पवित्र है हमें भी पवित्र बना। हम तेरी एक पवित्र प्रजा हों, तेरा आदर व सम्मान करते हुए प्रभु तेरे साथ साथ चलें, ताकि हम उस दिन तेरे योग्य ठहरे जब तेरे राज्य में तेरे सामने हम खड़े हों। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।